ये देखो फंस गए हम अभी यहाँ पे। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम खाकबेनी। हाउ माय गॉड गाइस, मतलब जितना भी मेरे लोग हैं ना इंस्टाग्राम पर, उनको पता चल ही चुका है कि भाई क्या सीन चल रहा है खाकबेनी में, मगर आपको भी दिखाना है गाइस। तो पहले नहीं, ऐसे ही खोलते हैं। या हवा बहुत तेज यहाँ पे होता हुआ। ओह माय गॉड गाइस, लाइफ में पहली बार हम इतना ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब हम कहाँ कहाँ नहीं गए थे इसके लिए, मगर आज खाकबेनी नेपाल मुस्ताङ में आके ये मिल रहा है। मगर ये जितना मतलब देखने में खूबसूरत है ना, उतना ही रिस्की भी है गाइस। मतलब क्या बताएं, एंड आपको दिखाना है गाइस, जस्ट लुक एट दिस। ओह माय गॉड, इट्स सो डैम ब्यूटीफुल। ये देखो, एंड लाइक हियर इज माय सेनोरिटा केनम लामा ने मतलब कल अपना गाड़ी को देखा, एंड लाइक उन्होंने सजेस्ट किया कि चलो आपका गाड़ी अगर कवर नहीं करेंगे तो फिर कल स्टार्ट नहीं होगा बोल के। तो उनके वजह से यहाँ पे एक बढ़िया सा तिरपलिन हमने यहाँ पे रख दिया है, एंड लाइक गाड़ी पूरा अच्छी तरीके से सेफ है अभी। एंड अभी एक बार स्टार्ट करके देखते हैं अब स्टार्ट होता है कि नहीं। यहाँ पे देखो गाइस, या ओह माय गॉड, या जितना आगे जा रहे हम उतना ज़्यादा मतलब हम डूब रहे। ओह माय गॉड, गाड़ी का देखो यहाँ पे, अगर ये नहीं लगाते ना तो फिर क्या होता। जस्ट सी, इसको निकालना है अभी, कहाँ से निकाले। भाई पहले गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं, एंड उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आज का सीन क्या होगा। एंड आई गेस गाइस, मतलब मुक्तिनाथ का जो प्लान था शायद वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रुको मैं पहले गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ और उसके बाद ही हम बातें करेंगे भाई। या कुछ ऐसा, ये देखो मैं पूरा डूब चुका हूँ। ये बहुत खतरनाक है ये भाई, बहुत खतरनाक। यहाँ पे भी है एक हुलिया, देखो अपना अब सही है, गाड़ी एटलीस्ट सेफ तो हुआ, गाड़ी तो हमने खोल दिया। देखो अभी भी भाई स्नोफॉल हो रहा है, एंड ये देखो आपको बता दूँ ये इतना ये साइज का स्नो फॉल यहाँ पे गिरा हुआ है। वही सही बता रहा हूँ, हाथ मेरा ना मतलब पूरा काट चुका है। और गाइस मतलब पहले गाड़ी को कॉल स्टार्ट करते हैं, मतलब जितना रखेंगे उतना ठंड होता जाएगा, तो उसके चलते सैनिटाइज स्टार्ट हो जा भाई। अब यहाँ पे ना मतलब ठीक तो गया भाई, ये देखो ठीक से तो कुछ नहीं हो रहा है। अब एक बार सेल्फ स्टार्ट करते, डर लग रहा है मुझे क्योंकि स्टार्ट होना मांगता है गाड़ी, और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। वो गया बैटरी, बैटरी पास था ब्रो, कस रिस्टार्ट करने था ठीक लेन पाक ना कहाँसम्म। ये गाइस देखो एक बार फिर से सेल्फ देता हूँ, गाड़ी क्या करता है आवाज। ओ ज्यादा करूंगा तो फिर बैटरी बैठेगा। एक बार स्टार्ट हो चुका था यार, मतलब चलो और एक बार ट्राई करते, ज़्यादा सेल्फी नहीं देना यार। नहीं।
गया अपना, वाट लगने वाला है शायद। गाइस जस्ट लुक एट दिस, ओह माय गॉड। या के गरेको तिमीले हिम फालेको? सो गाइस अभी क्या नाम भाई अपना जो ये स्नो गिरा हुआ है ना उसको साफ कर रहे हैं, क्योंकि लोग चलने के लिए तो रास्ते बना रहे हैं। कुछ ऐसा मतलब कुछ इस किस्म का यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, तो हम थोड़ा मदद कर देते हैं क्या गाइस। एक दुखद की बात ये है कि भाई अपना जो गाड़ी है ना सैन रोइटा, वो स्टार्ट नहीं ले रहा है पता नहीं क्यों। एंड ज़्यादा हम सेल्फ देखे भी स्टार्ट नहीं कर रही, क्योंकि बैटरी बैठने का चांसेस रहता है। ठीक से तो हो भी नहीं रहा है, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर थोड़ा देर बाद फिर ट्राई करेंगे, तब तक हम ये काम करेंगे अभी। ये देखो ये आपका भाई कागबेनी में आके एक काम यहाँ पे ले लिया है, ये स्नो साफ करने का। अब यहीं पे बैठेगा, ठीक है? क्या कहते हो? पूरा मतलब ढक चुका है ये देखो हाथ कितना अंदर जा रहा है मेरा। ये हाथ तो जा रहा है मगर ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। ये देखो गाइस हमारा नया दोस्त है यहाँ पे, वो बोटे कुकुर है। सो दिस इज बोटे कुकुर। हाय बंदे, हाय बनना। कुछ नहीं कर रहा है ये, मतलब बहुत ही प्यारा है। ये देखो खेल रहे अभी यहाँ पे। अंत था हजू का नाम? कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे सीन अभी। ये देखो गाइस यहाँ पे देखो सफाई अभियान चल रहा है। ये कुछ ऐसा कैसे टाइम अपडेट, इट्स ऑलमोस्ट 9 बजने को है। मतलब यार क्या बोलते हो, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा हमें दिया गया है, लाइक राइस को फ्राई करके, नॉट एग्जैक्टली फ्राई राइस, यहाँ पे काजू बादाम सब कुछ मिला हुआ है। एक्चुअली आज का जो प्लान था ना, मेरा जो आइटिनरी था वो ये था कि सुबह मुक्तिनाथ होकर बैक टू पोखरा होने का, लाइक मैं यहाँ से 7:30 बजे को निकलने वाला था। मगर देखो कुदरत का कुछ अलग ही मंजूर था, मुक्तिनाथ वाला जो प्रोग्राम था वो शायद कैंसिल होगा, क्योंकि अभी अगला बार आके दर्शन करके जाना पड़ेगा। इस बार नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। एंड लाइक आज और कल सबसे हैवी स्नोफॉल यहाँ पे दिखा रहा है वेदर फोकस्ट, तो उसके चलते जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलने में बेहतर होगा, क्योंकि पास भी सिर्फ 10 दिन का है। मैं यहाँ पे 2-3 दिन फंस जाऊँगा तो फिर मेरा पास का डेट चला जाएगा, तो उसमें शायद अब क्या है कैसा है वो तो पता नहीं, मगर फिर भी यार मुझे निकलना है। एंड निकलने के लिए तो मैं चाह रहा हूँ, मगर फिर गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये दूसरी बात, ये दूसरा गजब वाला बात है भाई। गाड़ी हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक से भी नहीं हो रहा है, सेल्फ से भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा सेल्फी नहीं देना हो रहा। स्नोफॉल मुझे चाहिए था वो यहाँ पर मिल चुका है, बस खुदा ना खास्ता हम यहाँ से निकल जाए आराम से। यस 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 यस, सो गुड लक टू मी। ओ माई गॉड, रेसी दिन तो हम निकल पाएंगे कि नहीं वो तो कंफर्म नहीं हूँ मैं, मगर फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मुझे निकलना है यहाँ से यार, मतलब ओ माई गॉड। टाइम ऑफ डेट इट्स 9:53 इन द मॉर्निंग। All right. Tough one is it, though? Yeah, ये देखो भाई पूरा घूम रहा। हाँ तो ये था यहाँ से हेरा ओढ़ पर्च आज होगा असली टेस्ट हमारा। लाइफ में कभी ऐसा हमने किया नहीं भाई, आज करने जा रहे हैं।
दुआ में रखो भाई को कि कुछ ना हो बोल के। ओ माय गॉड, मुझे ना एक्चुअली ये पहिया को फॉलो करना है, ये गाड़ी के पहिया को, तब तो हम आराम से भगा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है भाई, हम फंसेंगे। ब्रेक बहुत ही सोच समझ कर लगाना पड़ेगा हमें। ओ ओ ओ ओ या अभी तक तो सही जा रहे। ओह माय गॉड, इट्स हेवन ऑन अर्थ, बट उतना ही यहाँ पे तकलीफ होता हुआ हमें गाड़ी भगाने को। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ओ ओ ओ ओ गाइस गाइस, मतलब क्या बोलते हो, कैसा लग रहा है? बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे यहाँ पे गाड़ी चलाने को। एक गाड़ी अभी गया था, कहाँ गया भाई, हमें रुको। मगर चलो उनके पहिए तो है, उनके पहिए को फॉलो करेंगे हम। जन्नत, खूबसूरत गाइस, खूबसूरत, यहाँ पे वो कहने का वक्त आ चुका है। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, ओ ओ ओ, ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी नहीं आने का भाई, आराम से चलो। अब जितना खूबसूरत है ना उतना ही डरावना है ये, और हवा यहाँ पे तेज होता हुआ। लो भाई, आराम से आराम से, हवा का बहाव बहुत तेज है यहाँ पे। आराम से चलो फिर। ओ ओ भाई, मुझे ये पहियों को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम खो जाएंगे फिर। वहाँ पे जा रहा है गाड़ी, तो उनके साथ ही मुझे जाना है, तब हम जुमसुम पहुँचेंगे। ये देखो, ओ ओ ओ, आराम से, स्लिप हो रहा है यहाँ पे तो। हवा का रुख इतना तेज है ना यहाँ पे कि क्या बताए, अभी तो मुझे दिख भी नहीं रहा है गाड़ी का पहिया, बस हम अंधाधुंध जा रहे। हम गलत आए क्या, वो गाड़ी कहाँ है? फंस गए लग रहा है हमें यहाँ पे। ओ शिट भाई, डरावना है ये। चल बेटा चल चल चल, कहाँ से जाए भाई? ये देखो गाड़ी उल्टा हो रहा है मेरा। ओह माय गॉड, कहाँ से जाए? उस तरफ से जाना चाहिए था क्या, पता नहीं। गाड़ी को फिर घुमा के चलाते। चल मेरे घोड़े, ये हवा भी नहीं होता ना तो बढ़िया बना था भाई, ये कहाँ से हवा आ गया भाई। मुझे वो ऊपर जाना है,
जाए तो जाए मगर कैसे जाए। चलो ये सही है, रोड तो समझ में नहीं आ रहा, पूरा गड्ढे गड्ढे लग रहा है यहाँ पे। और एक बार गड्ढे में फंस गए थे फिर गया काम से। शायद यही होता होगा। भाई साहब बहुत डरावना ये। चल भाई अब मुझे रास्ता तो समझ में नहीं आ रहा ना ये कहाँ पे। ओह शिट, मुझे वहां तक निकालना ये। चलो चलो अब ये चढ़ाई में कैसे चढ़ाए। कल हम ये रास्ता होके गए थे, अभी आने पर और फटना था यहाँ पे। अभी यहाँ से टाक से भाई ऊपर की तरफ। अभी गाइस दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे पहले रास्ता देखना पड़ेगा और उसके बाद ही गाड़ी लेना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे हम। अभी यहाँ से आएंगे हम, यहाँ से ऊपर चढ़ाएंगे ठीक है, और ये काटना पड़ेगा मुझे। ये देखा, नहीं तो गाड़ी तो यहाँ पे ना 100% फंसेगा भाई अगर ये नहीं करेंगे तो। यहाँ से चढ़ाएंगे और फिर यहाँ आएंगे, ज़्यादा उस तरफ भी नहीं जाना है। वहां से चला ये यहां से लाएंगे और टक से मेरा यहां पे बनाना पड़ेगा मुझे रास्ता, नहीं तो हम नहीं निकलेंगे। ये देखो बस इतना ही, मैंने उसके आगे तो एटलीस्ट कुछ हो सकता है। एक बार यहाँ पे फंस गए ना तो फिर गया, लग गया अपना। ये देखो
ऐसा ही सिलसिला रहा होता यार नहीं हो पाएगा शायद आज का। कल जब हम आए थे ये कुछ भी नहीं था ऐसा, कल का सीन ही कुछ अलग था एंड आज का अलग। बस वहाँ से आके यहाँ से निकल के यहाँ से जाके और आगे क्या है देखना पड़ेगा यार। अगर ऐसा ही रास्ता करूँगा, अगर ऐसा ही साफ करके चलूँगा ना तो फिर कहीं का कहीं ओह माय गॉड हो पाएगा क्या यहाँ पे। ये देखो गाइस इट्स सो टफ। टफ नहीं यार मतलब ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, क्या करें। अरे इतने इतने ओ ओ इट्स नॉट पॉसिबल। कब तक ये साफ करके हम चले। ये देखो पूरा ओ माय गॉड। कोई गाड़ी आने से ठीक था, उनके पहियों को मैं एटलीस्ट कैच कर आगे बढ़ना था। तो पूरा रास्ता ढक चुका है, ये देखो ये पूरा हाथ घुस रहा है ये, ऐसे में कैसे होगा। ये देखो ये देखो ये पूरा जूते घुस रहे, तो कैसे हम जाए। और ये सिलसिला आगे तक है पूरा। ये देखो गड्ढे, अब सोचो कैसे जाए बताओ। ये देखो गाइस यहाँ पे क्या होगा पता है, ये देखिए पूरा डूब रहा है ये कुछ ऐसा। ये आपको आइस स्नोफॉल चाहिए था ना देसी ब्लॉगर। ये देखो स्नोफॉल, ये देखो ये देखो फंस गए हम अभी यहाँ पे फंस गए। और कितना दिन कल है वो, और कितना दिन के लिए हम फंसे वो भी नहीं पता है मुझे। कल तक ऐसा नहीं था यार, कल तक ऐसा नहीं था है ना। आज देखो यहाँ पे मतलब चमत्कार ही चमत्कार। ओह माय गॉड जन्नत में है हम अभी, जो भी यहाँ पे हम विटनेस कर रहे हैं ना इट्स टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड बाइक भी होता ना तो मैं इतना श्योर हूँ नहीं जा पाता, बाइक भी यहाँ पे फंसता। अब कैसे चलाओगे यार इतने इतने ये इतने गड्ढे गड्ढे इतने ठीक आइस पर कैसे चलाओगे। आई थिंक आई हैव टू मूव बैक टू माई स्टे। वो लोग तो बता रहे थे मुझे मत जाओ नहीं हो पाएगा बल्कि, मगर हमें जिद हमें पसंद है ना जिद, मगर हम फेल हुए इस बार। अपना जिद कोई काम का नहीं, क्योंकि ये वादियों को देखो भाई, ये स्नोफॉल को देखो भाई। एंड आज भी है स्नोफॉल, कल भी होगा स्नोफॉल, यानी कि आपका भाई मतलब यहीं पे। अभी मुद्दे पर आते एंड देसी ब्लॉगर ने ये डिसाइड किया कि अभी आज नहीं हो पाएगा आगे की ओर। एंड जाऊंगा भी कैसे यार, मतलब खुद ही ये स्नो को साफ करके खुद ही चला के तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि बहुत लंबा जाना है हमें। तो या लेट्स मूव बैक टूवर्ड्स माई स्टे जहाँ पे हम अभी रुके थे। एंड ये देखो ये ओहो ओहो ये पूरा फंस रहा है ये देखो ओ कुछ ऐसा है अभी का सीन। तो चलो
हम हार गए कुदरत के सामने, हम हार गए। जीत करके जाना भी सही नहीं है। और स्नोफॉल चाहिए था ना, ये लो स्नोफॉल, ये देखो। समझदारी ये होगा कि हम पीछे चले जाए वापस। ये देखो जितना ब्रेक मारूं उतना स्कीड हो रहा गाड़ी। हवा देखो भाई, हवा बहुत तेज यहाँ पे चलता हुआ। चलो अब नहीं जाना होगा, रास्ता ही तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम अभी कहाँ से आए थे, यहाँ होके आए थे। जो भी करना पड़ेगा मुझे एक बार में करना पड़ेगा, एक बार में निकालना पड़ेगा। चलो एक बार में नहीं निकला तो फिर फंस गया। ये कुछ ऐसा होता नहीं है सीन। अब यहाँ से ऊपर होके फिर वो नीचे चलते। ये अभी तो हम एक्सपर्ट हो चुके भाई आइस में चलाने के लिए। ये देखो, मगर फिर भी संभल कर चलाना पड़ेगा। चलो थोड़ा नीचे या और, अब यहाँ पे तो है नहीं रास्ता, इस तरफ चलते। फंस गए अब यहाँ पे, फिर मुझे एक्चुअली यहाँ पे होना है। देखो गाड़ी का बोलिया, उस तरफ नहीं जाना भाई, काट लेफ्ट। हाँ सही है, पत्थर में स्किड हो रहा है हमारा गाड़ी। आराम से चलो, शिट। चलो भाई आराम से ना, हैंडल हिल रहा है। चल मेरे घोड़े, टिक 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 या। चलो आराम से आराम से। चलो गाइस अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, गाड़ी को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, बाद में लेने आएंगे इसको। हमने ये लगेज बैग कैरी करके जाएंगे। नहीं होंडा भाई, यहाँ से आगे होंडा नहीं। फंस गए हम बुरी मौत, बहुत ठंडा है भाई। ठीक है वहीं पे ले जाना है, फिर आएंगे दोबारा इसको लेने के लिए, यहीं पे नहीं रखना है। सो ऑलराइट गाइस, या टाइम अपडेट, इट्स 11:12 इन द मॉर्निंग। एंड अब जाके मतलब हम देखो फिर से, वंस अगेन आई मीन कागबेनी, एंड हमने रूम वही ले लिया है जहाँ पे हमने कल स्टे किए थे। हाँ ये देखो, दिस इज़ द कागबेनी। और अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं भैया के साथ, भैया मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, कि क्या होगा यहाँ से आगे का सीन, हम क्या करने जा रहे हैं वो हम आपको अगले ब्लॉग्स में बताएंगे। होप कि आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देखे, मज़ा तो मुझे नहीं आया, मगर लिटरली मुझे मज़ा नहीं आया। तो विद दिस इट गाइस, मैं स्विच वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देता हूँ। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, बाय बाय।